हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको जयपुर के नाहरगढ़ किले का टूर करवाएंगे और इसके बारे में काफ़ी कुछ रोचक जानकारी बताएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप होटल वगैरह रेंट कहाँ पे ले सकते हैं, हवा महल कैसे घूम सकते हैं और बस के द्वारा आप कैसे आ सकते हैं, तो मैंने वो सब जानकारी दी थी। और इस वीडियो में मैं आपको नाहरगढ़ किले का टूर करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है किले के बारे में। यहाँ से आप टिकट लेना चाहें तो QR कोड के माध्यम से भी ले सकते हैं और यहाँ पर काउंटर बना हुआ है उसके माध्यम से भी आप टिकट है वो ले सकते हैं। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 52 रुपीज़ है, 2 रुपये जो अलग से दिए जाते लगते हैं। दोस्तों, ये नाहरगढ़ जो किला है ये काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसको घूमने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे चाहिए होंगे और इसकी जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है और इंडियन जो स्टूडेंट है उनकी 20 रुपीज़ की टिकट है। और इसके अंदर ही शीश महल बना हुआ है और आप शीश महल की टिकट अलग से लेनी होगी जिसके 500 रुपये चार्ज है। और इसके अंदर ही आपको कोल्ड ड्रिंक पैटीज वगैरह मिल जाएगी और बाहर भी हमने देखा था, बाहर भी अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है और आगे चल के एक बार भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे काफ़ी अच्छा आप सनसेट वगैरह देख सकते हैं और उस बार से पूरे आप जयपुर का व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो मेरा जो लास्ट वीडियो है जयपुर टूर का, तो वो देख सकते हैं। उसमें यहाँ पहुँचने के लिए फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। उसमें मैंने इसके मेनगढ़ तक पहुँचने तक का वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है ये दीवाने खास, यहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आप ऑटो से आ सकते हैं और ख़ुद के पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। जो जयपुर से इसका जो हवा महल है उससे इसका जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं। और अगर आप पैदल इसकी चढ़ाई करना चाहें तो वो भी चढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑटो वाले को पूछोगे तो वो आपको पैदल वाली जगह छोड़ देगा। और अभी हम इसके अंदर आ गए हैं। ये यहाँ पे देखिए एक बावड़ी बनी हुई है जो कि यहाँ इसका पानी इकट्ठा किया जाता था। पहले पुराने टाइम में इसका पानी है जो ये पानी यूज में लिया जाता था और ये काफ़ी फिल्टर पानी हुआ करता था। दोस्तों, यह जो नाहरगढ़ का किला है यह भूतिया किला के नाम से भी काफ़ी फेमस है। इस किले को ऐसा माना जाता है कि यह एक भूतिया किला है। उसके भी मैं आपके आगे चल के उसकी स्टोरी में आगे बताऊंगा आपको। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा किया जाता था, जो यहाँ पे जितने सैनिक हुआ करते थे वो इस पानी को यूज में लिया करते थे और राजा भी इस पानी को पूरा यूज में लिया जाता था। और यहाँ से देखिए ये जालियाँ बनी हुई है तो इससे पूरा फिल्टर होकर पानी आया करता था। ये पूरा इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से व्यू आता है। और इसके अंदर 9 महल बने हुए हैं। अभी हम चलेंगे जहाँ की माधवेंद्र भवन है, अभी उस माधवेंद्र भवन में चलेंगे और उसके बारे में मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों, यह नाहरगढ़ का जो किला है, जयपुर का नाहरगढ़, यह एक पहाड़ी पे बना हुआ है, मतलब एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है। और अगर आप जयपुर में कहीं से भी देखोगे तो यह सामने ही दिख जाएगा। जो नाहरगढ़ का किला है वो सामने ही आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, जो नाहरगढ़ फोरेट का निर्माण हुआ था वो 1734 में हुआ था। आमेर की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था और इस किले का जो निर्माण करवाया था वो स्वाई राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 के समथिंग करवाया था। इस किले को भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पे कोई राजपूत था जिसका नाम नहार सिंह था, तो उसकी प्रेतात्मा भटकती थी। यहाँ पे इस किले का जो निर्माण हुआ जाता था, किया जाता था, तो इसकी क्या है, वो दीवारें गिर जाती थी, तो फिर वो नहार सिंह, पास में मंदिर बना हुआ है जो कि मैं आपको नहार सिंह जो राजा था उसका पास में मंदिर बना हुआ वो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसको भवन का निर्माण करवाया गया है। काफ़ी विशाल है ये और इसके अंदर 9 भवन बने हुए हैं और सबका सेम ही डिज़ाइन मिलेगा। जो राजा का भवन है वो थोड़ा विशाल है और ये कुछ इस प्रकार से ये फूल पत्तियों का जो डिज़ाइन है यहाँ पे किया गया है। और ये जो कलर है ये पूरा नेचुरल कलर है, यानी कि आपने जो बथुआ पालक हरी सब्जी होती है उनका ही कलर लेके इसको पूरा नेचुरल कलर से ही तैयार किया गया है। इसमें जो पेंटिंग की गई है वो आज भी वैसी की वैसी है। 150-200 साल पुराना ये किला है, फिर भी आपको जो पेंटिंग दिखेगी वो सेम वैसी दिखेगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसके अंदर पेंटिंग बनाई गई है और ये इसमें 9 सेम भवन बनाए गए क्योंकि यहाँ पे राजा की 9 रानियाँ थी, तो 9 रानियों के लिए सबके लिए सेम ही भवन बनाए गए हैं कि आपस में किसी रानी की बहस यानी कि लड़ाई ना हो, तो सब महलों को एक समान बनाया गया है। तो जो 9 महली ऊपर है और 9 महली आधे जो सर्दियों के लिए नीचे बनाए गए और गर्मियों के लिए ऊपर बनाए गए रहने के लिए,
तो अब ऊपर भी चलेंगे, मैं आपको ऊपर का भी दिखाऊंगा, पहले आपको एक महल दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर भी रहने के लिए सब कुछ पूरी व्यवस्था की गई थी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर से कलर किया गया है। जो राजा की नौ रानियाँ हुआ करती थी इन घर के अंदर, जो ये महल बना हुआ है इनके अंदर, उनको पूरी व्यवस्था मिलती थी। इसमें ड्रेसिंग रूम और एक किचन और यहाँ पे खाने पीने के लिए और सोने के लिए अलग अलग जगह पूरी बनाई गई है। और यहाँ ये दो मंजिला इमारत है, एक मंजिल नीचे है और एक ऊपर है। जो नीचे वाली है वो तो सर्दियों के लिए हुआ करती थी और ऊपर वाली गर्मियों के लिए हुआ करती थी। ये उस टाइम काफ़ी गर्म रहा करते थे। और यहाँ पे भी एक अंगीठी टाइप बनाया गया है पुराने टाइम में इनको गर्म रखने के लिए। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इस महल को, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये जो मैं आपको कलर बता चुका हूँ ये वही नेचुरल कलर है, आज 150 से 200 साल पुराना है, फिर भी देखिए कलर वैसा का वैसा ही अभी मेंटेन किया गया उसी प्रकार से, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये और सबका जो महल है, नौ महल बने गए हैं, उनका अलग अलग नाम दिया गया है और नौ के नौ महल सेम है, मतलब एक से ही दिखेंगे आप उनके अंदर कलर वगैरह, और उनका डिज़ाइन भी सेम ही है। इस जो यह जो महल बने हुए हैं यह उस टाइम मॉडर्न टाइप से ही तैयार किए गए थे, और इसमें जो ये लकड़ी लगी हुई है ये उसी टाइम की है। यहाँ पे जो एक महल को ओपन रखा गया है पूरी तरह से, यहाँ पे इसमें टॉयलेट वगैरह सब कुछ पूरी व्यवस्था रानियों के लिए की गई थी उसी टाइम। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये शायद उस टाइम उनका किचन हुआ करता था। इसको बहुत ही सुंदर और बारीकी से इसकी पेंटिंग की गई है। अगर आप जब भी यहाँ पे विजिट करोगे और अगर विजिट कर चुके हो तो भी, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसका जो पेंटिंग की गई है यहाँ पे। और ये जो सामने दिखाई दे रही है ये यहाँ पे आग जलाने के काम में आती थी, इसको गर्म रखा जाता था तो वो आग जला के गर्म रखा जाता था। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पेंटिंग की गई है। देखिए ये यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए। और यहाँ पे बीच में जो उत्सव वगैरह हुआ करते थे उनको आयोजित किया जाता था, और एक तरफ राजा बैठता था और एक तरफ रानी बैठती थी, तो वो आपस में देखा करते थे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे। तो ऊपर एक यहाँ पे राजा जब आता था तो उसके लिए एक गैलरी बनी हुई है, मैं आगे चल के वो भी दिखाऊँगा। अभी हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर पर, तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाके दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट हवा क्रॉस हुआ करती थी इनको ठंडा रखने के लिए। काफ़ी इसको मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है इस किले को, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से घूमने के लिए सैलानी आते हैं, और ये जयपुर का एक काफ़ी अट्रैक्टिव पैलेस है। तो यहाँ जब भी आप जयपुर आओ तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर आएँ, ये काफ़ी फेमस है जयपुर का नाहरगढ़ का किला। और यहाँ पे कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पेंटिंग की गई है, और ये जो राजस्थान का हेरिटेज है उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से इस किले को मेंटेन किया गया है। सबसे अच्छा होता है किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, अगर मेंटेन नहीं रखते तो ये खंडर भी हो जाता अब तक, बट ये नगर हेरिटेज ने अभी तक भी इसको मेंटेन करके रखा है अच्छे से इस किले को। दोस्तों अगर आप नाहरगढ़ किला घूमने के लिए आते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए होंगे इसको घूमने के लिए। अगर आप उसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो पूरे 2 घंटे लग ही जाएंगे, मिनिमम है आपके लिए 2 घंटे। तो टाइम निकाल के ही आएँ आप जब भी यहाँ पे आएँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इनको एक अच्छी तरीके से मॉडर्न तरीके से इस किले को बनाया गया है। यहाँ पे इसमें कूलिंग की भी व्यवस्था की गई है और हीटिंग की भी व्यवस्था की गई है इसके अंदर पूरी, क्योंकि जो रानियाँ रहा करती थी वो यहीं से रहा करती थी। जो राजा की 9 रानियाँ थी वो राजा अलग अलग टाइम में उनसे मिलने आया करता था। इन यह जो 9 महल बने हुए हैं इनको अलग अलग नाम दिया गया है, किसी का चंद्र महल है, किसी का शीश महल है, अलग अलग से इनका नाम दिया गया है, नाम मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इस किले के अंदर जो 9 महल बने हुए हैं उनका नाम है, एक सूरज प्रकाश, कुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश।
यह इस प्रकार से यहाँ पे जो इसके अंदर 9 महल बने हुए हैं उनके अलग अलग के नाम हैं, और यहाँ पे रानियों के सभी महल छत पर स्थित एक गलियारे से जुड़े हुए हैं। यह गलियारा राजा के कक्ष में दोनों ओर से मिलता था। जो राजा का महल बना हुआ है पर्टिकुलर एक जगह पे, वो दोनों तरफ से आके मिल जाते थे। यहाँ से होकर राजा किसी भी रानी के कक्ष में जा सकते थे। यह कुछ इस प्रकार नीचे का ग्राउंड है। अभी मैं आपको एक बार ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर का भी दिखाता हूँ। ये देखिए 9 के 9 महल है जो सेम बने हुए हैं ना। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है, और सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है। और ये देखिए अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड फ्लोर के जो महल है वो बनाए गए हैं। और ये जो काम आते थे ये सर्दियों में रहने के लिए काम आते, सॉरी गर्मियों के रहने के काम आते थे। ये जो महल है नीचे वाले थे वो सर्दियों के लिए है, और ये ऊपर वाले गर्मियों के लिए है। इनको भी देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से इनके अंदर कलर किया गया है, और जो राजस्थान का नगर हेरिटेज है उन्होंने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन भी करके रख रखा है। और ये यहाँ से सिटी का व्यू आता है, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ ऊपर वाले जो महल है वो 9 के 9 जो सेम बने हुए हैं। और ये जो ऊपर वाले भी है और नीचे वाले, ये सिर्फ ऊपर एक छत पे गलियारा बना हुआ है, यानी कि गैलरी बनी हुई है एक। ये देखिए ये गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी से जो 9 महल है वो 9 के 9 आपस में जुड़े हुए हैं। जो राजा जाता था रानियों से मिलने तो वो कोई से भी महल में जा सकता था, किसी भी मतलब अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग रानी से मिलता था। तो किसी रानी को ऐसा पता नहीं होता था कि कौन सी रानी से राजा कब मिलने जा रहा है। तो इस साइड में भी है और उस साइड में भी है, दोनों साइड में जो गैलरी बनी हुई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पेंटिंग की गई है, कलाकारी की गई है, कितनी बारीकी से यहाँ पे पेंटिंग की गई है वो आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम इसी प्रकार से अलग अलग जगह विजिट करते हैं, नई नई जगह, और वहाँ के वीडियो लेके आते रहते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार से ये गलियारे बने हुए हैं, यहाँ से राजा रानियों से मिलने जाया करता था। इसका काफ़ी यह एक वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है। इस किले का जो बनाने का राज था वो आमेर की सुरक्षा के लिए इस किले को बनाया गया था। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था उस टाइम क्या है कि यहाँ की दीवारें जो गिर जाती थी, क्योंकि यहाँ पे एक नाहर सिंह नाम का एक प्रेत आत्मा रहा करती थी उस टाइम। तो वो नाहर सिंह के जो यहाँ का स्वयं माधव सिंह राजा था उसके सपने में आके उन्होंने दर्शन दिए और बोला कि यहाँ पे मेरी पूजा करवाओगे तभी यह आपका जो है यह कंप्लीट हो पाएगा। तो उसी प्रकार से उनकी कंप्लीट पूजा करवाई गई और उनका एक पास में मंदिर बनाया गया, और मंदिर बनाने के बाद में यह किला कंप्लीट हुआ। और इस किले को जयपुर का भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना पेंटिंग नेचुरल कलर से की गई है, वो ये इस प्रकार से ये नेचुरल कलर से पेंटिंग की गई है। यह देखिए मैं आपको बता रहा बीच में ये जो बनाया गया है ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया था। यहाँ इस साइड में रानी बैठा करती थी और उस साइड में राजा का महल है तो राजा बैठा करता था। और ये बीच में जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे वो यहाँ की सभा भी देखा करती थी और राजा रानी भी देखा करते थे। तो अभी एक बार मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ, इसके छत दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इसे उतर सकता है या एक ही बंदा जा सकता है। कुछ इसी प्रकार से इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, मतलब सेकंड दूसरा बंदा, दो बंदे एक साथ सीढ़ियों पे नहीं जा सकते। ये देखो दोस्तों ऊपर से इसका जो मेन छत से है वो कुछ इस प्रकार से व्यू आता है यहाँ पे, और इस प्रकार यहाँ पे आपको ये गिनोगे तो 9 के 9 महल दिखाई देंगे, आप ये गिन लीजिए। और इस प्रकार से ये कुछ सिटी का यहाँ से ऊपर का नज़ारा आता है, यहाँ से पूरे जयपुर सिटी दिखती है। अगर आप पूरी जयपुर सिटी देखना चाहते हैं ऊपर से तो यहाँ पे आप नाहरगढ़ के किले पे आके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक सनसेट पॉइंट भी है, मैं आगे चल के वो भी दिखाऊंगा। ये कुछ इस प्रकार से तो इस किले का नज़ारा है, और इधर सिटी का व्यू आता है पूरी का। यहाँ पे जो एकमात्र जयपुर ऐसा शहर है जिसकी गलियाँ एकदम सीधी हैं।
ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे जयपुर सिटी का व्यू आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ये देख गलियाँ एकदम बिल्कुल जयपुर की सीधी दिखती है, यहाँ से ही आपको हवा महल दिख जाएगा और यहाँ से भी आपको जंतर मंतर भी सामने ही दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जयपुर सिटी के व्यू का भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो देखिए, वो सामने दिख रहा है, वो जंतर मंतर है। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, वो सामने वो जंतर मंतर दिख रहा है और इस साइड में ये सिटी पैलेस भी है। और यहाँ पे ये देखिए सिटी है। और ये जो मैं आपको रास्ता बता रहा था पैदल वाला, ये वो जो पैदल वाला रास्ता है, यहाँ से अगर आप पैदल चढ़ना भी चाहें तो यहाँ से चढ़ सकते हैं, ये पूरा पैदल यहाँ से है। और अगर आपको पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वो ऊपर से आना होगा, ऊपर से जल महल होते हुए और इधर आगे आएंगे तो आगे आपको पुलिस वाले खड़े हुए दिख जाएंगे और वहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। और जो मैं आपको नाहरगढ़ का मंदिर बता रहा था, नाहरगढ़ का वो ये नाहर सिंह जी का मंदिर, ये मंदिर है और उस टाइम ये मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर के बनाने के बाद ही इस किले का जो कार्य है वो कंप्लीट हो पाया था, जो वर्क है वो इस मंदिर के बनाने के बाद ही कंप्लीट हो पाया था। इसके साइड में से यहाँ पे पहुँचने के लिए रास्ता है और ये लिखा हुआ भी है नाहर सिंह जी टेम्पल। तो ये नाहर सिंह जी का टेम्पल है, आप यहाँ पे भी अगर आना चाहें तो पूजा पाठ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, काफ़ी लोग करवाते भी है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे सनसेट पॉइंट की तरफ, मैं आपको एक बार सनसेट पॉइंट भी दिखा देता हूँ, चलो अब उधर चलते हैं एक बार हम। दोस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूँ और इस साइड में यह आपको बार देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप वैसे नॉर्मली अगर ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहें, वैसे भी जाना चाहें तो आप 100-150 रुपये दे के भी अंदर एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, बट आपको एंट्री करने के पैसे लगेंगे। अगर आप यहाँ से व्यू देखना चाहते हैं और अंदर जाना चाहते हैं तो उसका पैसा लगेगा। ये देखो दोस्तों अब मैं ऊपर आ गया हूँ यहाँ पे, ये देखिए सनसेट पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से आप जयपुर का जो सनसेट है वो देख सकते हैं। और शाम के टाइम में काफ़ी शानदार और अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी शानदार व्यू आता है यहाँ से जयपुर का। देखो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक है और अगला जो वीडियो रहेगा वो आमेर फोर्ट का रहेगा, जो कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप यह ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं वीडियो के अंत में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।